तो चलिए दोस्तों, आज है विजयादशमी का पर्व और निश्चित रूप से पूरा देश में, हमारे जो देश है वहां पर विजयादशमी का जो पर्व होता है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। और ये कहा जाए कि आज का जो दिन है वो विशेष होता है उन लोगों के लिए जो अपने किसी न किसी बुराई को त्यागना चाहते हैं। एक बार किसी ने पूछा राम से कि वास्तव में रावण को किसने मारा, तो राम ने कहा कि भाई रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को मारा है मैंने। जी हाँ, मैंने, मैं मतलब होता है अहंकार, घमंड। रावण को जो घमंड हो गया था ना, अहंकार हो गया था, उस अहंकार ने उनको ले डूबा। तो बिल्कुल भी आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लीला आपको दिखाया जाता है ना, रावण वध का लीला दिखाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर छुपे हुए जो बुराई है, हमारे अंदर जो निद्रा रूपी कुंभकर्ण है ना, हमारे अंदर में जो अहंकार रूपी रावण है, हमारे अंदर में सारे जो राक्षस है वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, उनको हमें दूर करना है। तो ये होना चाहिए हमारा उद्देश्य। तो आज के दिन आप लोग निश्चित रूप से अपने अंदर समाहित कोई ना कोई एक बुराई को, उस लंका, उस जो रावण का जो अभी दहन होने वाला है, पुतला दहन होने वाला है, वहां पर आप क्या करिएगा, उसको दहन करके जरूर आइएगा। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी पिछले कई सालों से गांव में जो लीला होता है वहां पर मैंने रावण का रोल किया है। गेटअप मेरा देख सकते हैं, कैसा लग रहा हूं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जब मैं रोल कर रहा था तब मैं अक्सर रामायण, तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ डेली, तो उस रामायण पढ़ने के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें अनुभव किया। तो आप लोगों को भी रामायण से सीखना है, रामचरितमानस में जीवन जीने की कला है कि आपको कैसे जीना है ना, कैसे भाई भाई को रहना है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको पुनः एक बार विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सब दशहरा का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो एक बार पुनः हमारे पूरे परिवार की ओर से और हमारे YouTube परिवार की ओर से आप सबको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।